नमस्कार, हमारे साथ हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख, और हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी एमको। उसने बोला कि हमारा अगले 50 साल तक के लिए अब मेन जो ट्रेडिंग पार्टनर होगा, जो हमारा फोकस एरिया होगा, वो होगा चाइना। सऊदी अरेबिया अमेरिका की झोली में, अमेरिका की गोद में बैठा रहता है, ये सबको पता है, और वहां की कंपनीज भी अमेरिका को मेन टारगेट रखती थी। अब पहली बार उन्होंने चाइना की ओर फोकस बढ़ाया, इसी पे हम बात करेंगे। क्या लॉक साहब, अब सऊदी अरेबिया की मेन कंपनी का टारगेट भी चाइना हो गया है, तो क्या ये अमेरिका के हाथ से फिसलता हुआ गल्फ हमें दिख नहीं रहा है? देखिए, मैं रोहित जी, मैं एक बात कहता हूं और अभी से नहीं कह रहा हूं, पिछले कई वर्षों से एक बात मानता आ रहा हूं कि अमेरिका ने एक कला सीख ली है, और वो कला है कि कैसे दोस्तों को दूर किया जाए और कैसे दुश्मनों को मजबूत किया जाए, और उसमें बड़े अच्छी तरह से आगे चल रहे हैं। वो बात केवल अभी जो बाइडेन की ही नहीं है, पिछले आप करीब करीब एक दशक सवा दशक से देखोगे तो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना, वो खुद की आत्महत्या करने वाली पॉलिसीज है, अपने दोस्तों को दूर करने वाली पॉलिसीज है। अभी जो ये सऊदी अरामको के जो सीईओ प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो कहा है ना कि चाइना को सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर के रूप में वो देखना चाहते हैं अगले 50 वर्ष तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना का और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिडल ईस्ट के क्षेत्र में बढ़ेगा। और ये इस समय हो रहा है जब मोहम्मद बिन सलमान MBS जो क्राउन प्रिंस है, बहुत शक्तिशाली है, असली डिफेक्टो रूलर तो आज की तारीख में तो सऊदी अरब के वही है, उनका नाम बड़े ओपनली खुफिया विभाग की रिपोर्ट जारी करके जमाल कशोकी, जो वॉशिंगटन पोस्ट के में कॉलम्स लिखा करते थे, जर्नलिस्ट थे, सऊदी मूल के थे, जो अमेरिका में रह रहे थे, उनके जो मर्डर के ऊपर इन्होंने जिसको नेमिंग एंड शेमिंग की MBS को एक तरह से, फिर कुछ अधिकारियों के ऊपर सेंक्शंस लगाए, हालांकि इससे होना कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने किया भी कुछ भी नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता फिर ऐसी रिपोर्ट जारी करने से क्या फायदा था। इससे तो आप सऊदी को और पुश टू द वॉल कर रहे हो। दूसरी बात, आप ये देखिए कि सऊदी अभी तक जो था वो अमेरिका से बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर के हथियार खरीदता था। जो बाइडेन साहब ने आते से ही ये किया कि जो डील्स थी, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सऊदी की, वह फ्रीज कर दी और उसको वापस से अध्ययन कर रहे हैं खोलकर। सिमिलरली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्थिति है कि जो F-35 लड़ाकू विमानों की डील थी उनकी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उसको भी उन्होंने फ्रीज कर दी, वापस स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि, और हो रहा है कि सऊदी और UAE और विशेषकर सऊदी जो है वह चाइना के साथ ज्यादा इंटीग्रेट हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने कैंप बदल लिया है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसका अलाय बन चुका है, स्पेशली डिफेंस अलाय बन चुका है, नहीं, अभी भी अमेरिका का डिफेंस अलाय है, लेकिन नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और आप ये देखिए ना कि चाइना ने कितने खूबसूरती के साथ मिडल ईस्ट को मैनेज कर रहा है, जो कि अमेरिका नहीं कर पा रहा। एक तरफ से तो चाइना जो है $400 बिलियन 400 अरब डॉलर का निवेश 25 साल में करेगा ईरान के साथ, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि आर्च राइवल है सऊदी अरब का। और सऊदी का जो सबसे बड़ी कंपनी जो लिटरली सऊदी अरब की माली स्थिति को चलाती है, वह सऊदी अरब को उसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि 50 साल के लिए वह चाइना को मेजर जो ऑयल सप्लाई करने के लिए देश है उसकी तरह देख रहा है। मतलब सऊदी अरब ईरान से भी डबल, ईरान 25 साल तक निवेश करेगा $400 बिलियन का चाइना, और सऊदी अरब कह रहा है कि हम 50 साल तक मेजर एनर्जी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं चाइना को। तो ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं, और मैं कहता हूँ, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, लोग बोलते भी है कि आप क्यों इतना टारगेट करते हो, एंटी अमेरिका, नहीं, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, मैं प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका हूँ। मुझे खुशी है कि इंडिया जो है आज के समय वेस्ट के नजदीक जा रहा है, अमेरिका के नजदीक जा रहा है, मैं हितैषी हूं इस अलायंस का, इसीलिए जो इनकी जो कमजोरियां हैं उनको मैं खुल के बताता हूं। आप ये देखिए कि इनके जो थिंक टैंक से, मैं बार बार ये कहता हूं ना कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वॉशिंगटन में थिंक टैंक से, इनकी थिंक टैंकिंग क्या है आप ये बताइए ना मुझको, कि क्या मिल रहा है इस प्रकार से करने से कि अलायंस को खोते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि पिछले वर्ष 2019 में बात करें, दो साल बोल सकते हैं या एक फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं, 2019 वर्ष में
35 बायलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुए हैं सऊदी अरब और चीन के बीच में। अभी जो है चाइना वह सऊदी अरब का सबसे बड़ा जो तेल से पावर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है उसका निर्माण कर रहा है। 5,000 जो घर हैं वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रियाद में दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चाइनीज को। तो ये किस तरफ जा रही है चीजें, ये सऊदी की डिपेंडेंसी जो है चीन की तरफ बढ़ती जा रही है। और आप ये देखिए ना कि सऊदी अरब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सऊदी की पूरा जीसीसी जो कि जीसीसी बेसिकली अलाय है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आज के समय पूरा के पूरा किसकी शिफ्ट में चला गया है, वो चला गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। आप थोड़ा नक्शा देख फोन में है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा व्यूवर्स को, ये जितना भी नीला नीला दिख रहा है ना इसमें ब्लू, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली कंट्रीज है। राइट, दिखेगा आपको पूरा के पूरा अफ्रीका ऑलमोस्ट दिख जाएगा, आपको दक्षिण अमेरिका के देश भी दिखे, आप साउथ एशिया में देखें दो ही शेयर दिख रहे हैं केवल जो इनके सामने अभी तक चीनियों के सामने सरेंडर नहीं किए, एक भारत है और एक भूटान है, बाकी सब जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जा चुके हैं। अब बीआरआई सक्सेसफुल क्यों हुआ है, किसकी प्रॉब्लम थी बीआरआई में, यदि डोनाल्ड ट्रंप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब रिस्पॉन्सिबल है, जो बाइडन भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी है, ओबामा भी है। ओबामा ने जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो काम चल रहा था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, उससे बाहर निकले, अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद ही तो गति पाई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने। अगर अमेरिका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसमें बहुत कुछ टाइम निवेश किया था ओबामा सरकार ने, अगर ट्रंप उससे बाहर नहीं निकलते तो बहुत सारे जो देश हैं ये दिख रहे हैं जो नक्शे में नीले नक्शे में, वो कभी भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट नहीं बनते। अनफॉर्चुनेटली अब पूरा के पूरा मिडिल ईस्ट सऊदी अरब मिलाकर वो सब के सब उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट बने हुए। तो ये स्ट्रेटेजिक गलतियां किसकी है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जितना इकोनॉमिक है इतना ही स्ट्रेटेजिक है, इसमें जो मेजर डिफॉल्ट पर है ना वो सऊदी अरब ये, और जो मूर्ख थिंक टैंक बैठे हैं जो अपने आप को बहुत अकलमंद समझते हैं। देखिए थिंक टैंक क्या होता है, आज आप बताइए कि थिंक टैंक, रोहित शर्मा ने अपने आप को थिंक टैंक की तरह स्थापित कर दिया, चार दोस्तों को मिला था उसका, उसमें गुलरेश शेख को भी मिला लिया, दो चार को और मिला लिया आपके मेरे जैसे लोगों को, और आपने अपना एक थिंक टैंक एस्टेब्लिश कर दिया। हमने अपना मैगजीन निकालना शुरू की, हमने कुछ प्रोग्राम्स करना शुरू किए और हमने इन्फ्लुएंसर बन गए, लेकिन हमारी कोई इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है ना। और जब सरकारें ऐसे थिंक टैंक्स के ऊपर आधारित हो जाती हैं तब सरकारों का डाउनफॉल शुरू होता है। तो यूएस को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिल रहा है मिडिल ईस्ट में। अब आप ये कह सकते हो, व्यूअर्स भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना ये तो इकोनॉमिक रिलेशन है, खरीद फरोख्त के रिलेशन है, तेल वो खरीद रहा है उससे, वो बिल्डिंग्स बनवा रहा है, लेकिन इसमें स्ट्रेटजी कहाँ आती है? थोड़ा व्यूअर्स को भी कहूंगा थोड़ा रिसर्च करें इस चीज के ऊपर कि जो सऊदी के पास मिसाइल सिस्टम है वो किसका है। देखिए सऊदी के पास, मैं इसके ऊपर थोड़ा दिखाना चाहूंगा व्यूअर्स को, रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स नाम की एक उन्होंने बॉडी गठन कर रखी है। मैं आपको नाम वापस से बोल रहा हूँ, आप यदि आपको रिसर्च कर, रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स। अब ये रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के अंदर क्या इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसके अंदर मिसाइल किसकी है, अमेरिका की है? नहीं है। अमेरिका में एक जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया कि चुपचाप से सऊदी अरेबिया ने बड़ी संख्या में मिसाइल्स खरीद रखी है चीन से। और मिसाइल्स कौन सी है इनकी, इनकी DF-3 मिसाइल कंप्लीटली बेड इन चाइना जो है वह सऊदी अरब ने ले रखी है। फिर DF-21 जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए वह उन्होंने चाइना से ले रखा है। तो आपको दिख रहा है ये कि एक तरफ से तो अमेरिका बात करता है कि जो जो भी देश रशिया से S-400 खरीद रहे हैं, जो जो भी देश रशियन इक्विपमेंट खरीदते हैं उनको पर हम काटसा के सेंक्शन लगाएंगे। लेकिन मेरे भैया आप तो ये देखिए कि जितना हथियार आज के समय अरब में है और उस वो अगर DF-3 से इंटीग्रेट होता है या DF-21 से इंटीग्रेट होता है तो क्या उसमें अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है वो उसको चीन क्या चुरा नहीं, इंटीग्रेट होते हैं वो तो चोरी कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को। तो अमेरिका को सोचना होगा कि आप जो हथियार देने से मना करते हो
तो कोई दूसरा से भी ले सकता है, ये अमेरिका को सोचना होगा, यहाँ इनके थिंक टैंक्स गलत करते हैं। आप ये सोचिए ना कि यदि यही मिसाइल अमेरिका देता तो सऊदी को हो सकता है कि वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती चीन के पास। आपने चीन के पास पुश किया, आपने ऐसी ही गलती रशिया के साथ की है, तरह से लिटरली अमेरिका ने वेस्ट से हटाकर चीन की गोद में डाल दिया है, काटसा के सैंक्शंस लगा दिए। आप जिस तरह की बातें करते हैं रशियन डिप्लोमेट्स के साथ, जिस तरह से बिहेव करते हैं, एक रशिया बहुत बड़ा पावर है, आज भी न्यूक्लियर पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा देश आज भी रशिया है, उसका बहुत सारा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप रशिया जैसे देश को एंटागोनाइज कर रहे हो केवल अपने जो बेतुकी डिप्लोमेसी है उसकी वजह से, उसको चीन के गोद में डाल रहे हो जिसके पास पैसा है, तो ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक आप पैदा कर रहे हो। एक तरफ से तो पावरफुल रशिया, दूसरी तरफ पैसे वाला चाइना, ये किस तरफ जा रहे हैं? आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट थी मिलिट्री डायरेक्ट स्टडीज की, वो फाइंडिंग बताती है मिलिट्री डायरेक्ट स्टडीज की, चाइना आज के मिलिट्रीली सब दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री बन चुकी है, अमेरिका नंबर टू पर है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेनरी किसिंजर और निक्सन ने जिस तरह से अछूत चाइना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अछूत था चाइना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए मेन स्ट्रीम किया, जिस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट वहां पर डाले, तो आपने उसको आज दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में एक लाके खड़ा कर दिया। उन्हीं की जो ये स्टडीज है, उन्हीं के जो स्टडी ग्रुप्स है, वो बोल रहे हैं ना ये अमेरिका की आज की स्थिति में ये बन चुकी है चाइना की, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन डिप्लोमेसी है। तो अब आप ये देखिए कि एक और जो चीज आ रही है ना, वो भी बहुत खतरनाक है, वो यह है कि सऊदी अरब जो है वो यूरेनियम को कैसे प्रोसेस करते हैं। देखो सऊदी पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी सीख रहा है किससे, चाइना से सीख रहा है। तो बेहतर क्या ये नहीं होता कि सऊदी अरब को यही जो नो हाउ था चाइना की जगह यूएस देता? तो ये अमेरिका की मूर्खता है, इनकी जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं ना जो इनकी पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक्स में नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे थिंक टैंक्स है यूएसए में जो इनकी पॉलिसीज को ड्राइव करते हैं, वो अभी लेफ्ट की जो सरकार बैठी, मैं की बोलता हूँ जो बाइडन इज द लेफ्टिस्ट, लेफ्ट की सरकार में भी थे वो गलत तरफ ले जा रहे थे, ट्रंप की सरकार में भी थे जिसकी वजह से ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से डोनाल्ड ट्रंप बाहर थी कि वो अपना दिमाग यूज करते थे, केवल इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते थे तो कुछ हद तक के सही दिशा में जाते थे। लेकिन अभी आप 10-15 साल में देखिए कि ये थिंक टैंक जो है ना, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनके बैठे हैं, बहुत पावरफुल हो गए और गलत तरफ ड्राइव कर रहे हैं। मैं हितेशी होने के नाते एक अलायंस, क्योंकि हम भी उस अलायंस के हिस्सा है आज की तारीख में, चाहे क्वाड हो या दूसरे अलायंसेस हो, होने के नाते मैं कहता हूं कि इनको अमेरिका को निकलना चाहिए इस ये दो टके के जो थिंक टैंक्स हैं उनके बाहर, वरना अमेरिका की स्थिति जो है वो और चाइना के पीछे जाएगी, चाइना को प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए मैं इसमें एक चीज अपनी तरफ से रखना चाहूंगा, इसमें जो भारत है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। अब आप पूछिए क्यों कर सकता, कैसे कर सकता है, जो चीज अमेरिका नहीं कर रहा ना, हम वो काम कर सकते हैं कि सऊदी अरब को ब्रह्मोस मिसाइल दे। रशिया से तो हम बात कर लेंगे कि रशिया मन जाएगा उस चीज के लिए, लेकिन उसमें भी सॉरी आपके चैनल पर मैं बैठा हूं, इस शब्द को यूज नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्सा आता है ना जब ऐसी बेवकूफियां होती है दुनिया में कि अमेरिका को इनके थिंक टैंक्स को उंगली नहीं करना चाहिए कि आप क्यों बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, हम ब्रह्मोस मिसाइल दें, हम सऊदी के मिलिट्री को ट्रेन करें, हम इक्विपमेंट दें, तो कम से कम चाइना से बाहर निकल सकते हैं उसको। राइट, बिल्कुल सही। और क्या आपको ये लगता है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों के रिलेशंस पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छे हुए हैं, जिससे कि किसी को डर नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान उससे साइडलाइन हुआ है और पाकिस्तान को डर लग रहा है उससे, तो क्या हम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और बेटर हो सकते हैं? रोहित जी मैं ये कहता हूं कि मोदी जी की सरकार में सबसे बड़ा हमने यदि कोई कुछ अचीव की है हमारे पड़ोस में, और मैं मिडिल ईस्ट को भी पड़ोसी मानता हूँ, तो वो सऊदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट थे और इजराइल थे। इन तीनों से जो हमने अपनी दोस्ती को मजबूत की है ना, ये एक बहुत स्ट्रांग अलायंस है हर तरह से। देखिए इसमें सऊदी का टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भारत का मार्केट और हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों है, इसमें यूएई का बिजनेस है और इजराइल की टेक्नोलॉजी है और इजराइल की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वेस्ट में, तो ये बहुत सशक्त अलायंस है
जो हमने अचीव किया है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभी भारत जो है वह सऊदी अरब से तेल कम से कम खरीद रहा है, हम ज्यादा अमेरिका से और अफ्रीकन कंट्रीज से खरीद रहे हैं, जो कि सऊदी ने हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था कि प्राइसेस को कम रखें प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन चलता रहेगा। देखिए इकोनॉमी को स्ट्रेटेजी को अलग अलग रखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हमारे ट्रेड के बहुत सारे इश्यूज थे, जब दो बड़ी कंट्रीज होती हैं और दोस्ताना कंट्रीज होती हैं और जो बराबरी की कंट्रीज एक दूसरे को बात करती हैं तो ये सब इश्यूज आएंगे, लेकिन मुझे अपेक्षा पूरी है कि सऊदी अरब वो भारत के रिलेशन बहुत अच्छे फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अगर चीन का फैक्ट्री आता है बीच में तो चीन अकेला नहीं आता है, जहां भी आता है वो बगल में एक बच्चा बगल बच्चा लेकर चलता है, उसका नाम पाकिस्तान है, तो हमको उसको भी काउंटर करना है, चाइना को भी काउंटर करना है, तो मुझे लगता है कि हमको सऊदी अरब को वेपन और डिफेंस सप्लाई करना चाहिए। राइट तो और थोड़ा वेट करूंगा, अभी बहुत अच्छी चीज कुछ समय पहले हुई, जनरल नरावणे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस मिलिट्री स्टाफ है, हमारे मिलिट्री चीफ अभी सऊदी और यूएई गए और उनकी ऑफिशियल यात्रा पे गए, ये दिखाता है कि हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों में हमारी एक्सरसाइजेस होने वाली है मिलिट्री की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, तो हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध बढ़ रहे हैं। मैं फिर गंदे शब्द का उपयोग करूंगा, अमेरिका को इसमें उंगली नहीं करना चाहिए कि भारत डिफेंस का इक्विपमेंट बेचता है। देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होगी, भारत अकेले से नहीं होगी, फिर उसमें बात यह आएगी कि आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जॉइंट डेवलपमेंट आपने रशिया के साथ किया है, तो फिर वो काटसा के अंदर नहीं आए। आप ये बताइए काटसा के जो सैंक्शंस की बात है, किस कैसे कोई भी देश की संसद जो है अमेरिका की कांग्रेस जिसको कहते हैं, कांग्रेस कैसे दूसरे कंट्रीज की तीसरे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर सकती है, ये तो एक मूर्ख सी लचीली होना पड़ती है, इससे अमेरिका को ही नुकसान होना है। अब आप बताइए मुझे, यदि काटसा के हल्के से सैंक्शन भी भारत पर लगाते हैं, ये कि S-400 जिस दिन हमारे यहाँ आती हुआ क्या था टर्की में, जब तक उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए थे जब तक S-400 की पहली बैच डिलीवर नहीं हुई, जैसे ही बैच डिलीवर होती है टर्की जो कि नेटो अलाय है उनका अमेरिका का, जहां अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, मैं वापस बता रहा हूं यूएस को कि न्यूक्लियर बेस है अमेरिका की टर्की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है उसके लिए क्योंकि पास में रशिया लगा हुआ है, उसको गेटवे ऑफ यूरोप कहते हैं, तो जैसे ही S-400 डिलीवर होती है वो सैंक्शन लगा देते हैं। यदि भारत के ऊपर भी इस प्रकार का कुछ सोचते हैं, हालांकि उन्होंने सैंक्शन बड़े हल्के किस्म के लगाए, कोई उसका प्रभाव होना नहीं है, जैसे सऊदी अरब पे लगाए, अब सऊदी अरब पे MBS का जो जमाल खशोगी वाला इशू, उस पर सैंक्शन क्या लगाए, जो सऊदी के रॉयल गार्ड थे उसके कुछ लोगों के ऊपर अमेरिका को बैन किया, उस पर सेंक्शन लगाए, उनके यदि एसेट्स है तो उनको फ्रीज किया करने की बात की, यहां तक कि रिलेटिव्स को वीजा नहीं देने की बात की। अब ये सेंक्शन से देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही टर्की के ऊपर भी बहुत हल्के किस्म का सेंक्शन है, बड़े भारी सेंक्शन नहीं है, लेकिन भारत के ऊपर भी अगर छोटे से भी कोई सेंक्शन लगता है, आप सपोज करें S-400 के नाम पर, या फिर हमने बाद में जितनी परचेजिंग की है, चाहे अभी जो चीन से स्टैंड ऑफ हुआ हमारा, राजनाथ सिंह जी जब रशिया गए थे मॉस्को तब भी हमने बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट्स किए हैं, हम अभी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन लीज पे लेने वाले हैं, किराए पे लेने वाले हैं रशिया से, तो यदि इन चीजों के ऊपर काटसा का सेंक्शन लगाते हैं भारत के ऊपर, तो क्या होता है कि फिर गुडविल खत्म होती है, चाहे उससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो, इतने हल्के भी लगाए, बहुत नीचे लेवल के भी लगाते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप्स होती है काटसा का सेंक्शन तो, लेकिन गुडविल खत्म होती है। अमेरिका ने सऊदी में भी गुडविल खत्म की है, ऐसा भारत में भी नहीं करना चाहिए। और मेरा एक मत हमेशा रहता है कि जो बात बोली जाती है ना रोहित भाई, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। यदि यूएस के हमारे व्यूअर्स कहीं देख रहे हो तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो अपने जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उन तक जरूर पहुंचाए। देखिए काटसा के जो सेंशन है ना, उसमें बहुत फाइन लाइन होती है कि थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट चाहे ना, राष्ट्रपति अमेरिका का चाहता है तो वो वेवर कर सकता है उसमें, नेशनल खुद की नेशनल सिक्योरिटी को बताते हुए। अब जो भारत के ऊपर यदि आता है काटसा वाला, और इनके बहुत सारे जो लेफ्ट लीनिंग थिंक टैंक्स हैं वो तो करेंगे ही ये बातें कि ये करना चाहिए, तो जो बाइडेन के पास एक तरीका यह है कि वो ये बता सकते हैं वह कि चाइना जो है वह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, और चाइना को काउंटर भारत कर सकता है, और भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें बड़ी मात्रा में ऑलरेडी दशकों से, पिछले 60-70 साल से रशियन इक्विपमेंट है, USSR के समय से है, तो भारत को खरीदना है, भारत निकल नहीं सकता उससे, इसलिए भारत को इससे वेवर किया जाए, तो मैं रास्ता भी बता रहा हूं। तो ये प्लीज जो व्यूअर्स है ना, अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को भेजे ये वीडियो,
और अपनी भाषा में भेजिए, इंग्लिश में भेजिए उनको। ओके ठीक है, पत्र लिखिए उनको कि इस तरह से आप सैंक्शंस को अवॉइड कर सकते हो, ये आपके नेशनल हित में है। राइट ये थे गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, और इन्होंने हमें बताया कि सऊदी अरेबिया से इंडिया के रिलेशंस और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, और सऊदी अरेबिया के अमेरिका के साथ और चाइना के साथ क्या रिलेशंस चल रहे हैं इस समय, और डीप एनालिसिस दी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे हम पे एक और बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।